नमस्कार दोस्तों, ट्रैक्टर टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो दर्शक हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, कृपया कर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम आए हुए हैं महिंद्रा शिवशक्ति ट्रैक्टर्स करेली, जो कि एक बहुत ही विश्वसनीय शोरूम है महिंद्रा का। जो हम महिंद्रा की जो बात कर रहे हैं, एक महिंद्रा ट्रैक्टर में अग्रणी कंपनी है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं महिंद्रा 655 DI नोवो, जो कि एक अपने अगर 65 HP की श्रेणी में माना जाए तो बहुत ही सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है। अब हम और अधिक जानकारी के लिए हम बुलाना चाहेंगे इस शोरूम के ऑनर रूपेश जी को। कृपया कर वो हमको बताएंगे इस ट्रैक्टर के बारे में। तो रूपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रैक्टर टेक्निकल ज्ञान चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें बताइए इस मॉडल के बारे में, हमारे दर्शकों के बारे में, क्या इसमें क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या है इसमें। ये महिंद्रा की तरफ से नया मॉडल पेश किया गया है 655, जो कि नोवो सीरीज़ में आता है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बना हुआ है महिंद्रा की, जो कि 65 HP का ट्रैक्टर है। और इसके हम डिज़ाइन की बात करें तो बहुत यूनिक डिज़ाइन दिया गया है इसमें, और नए कलर का इस्तेमाल किया है, जो कि महिंद्रा का टिपिकल कलर होता था रेड, उसको चेंज करके एक कत्थई कलर में किया गया है। अच्छा। और अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें 65 HP का इंजन मिलता है, जो कि चार सिलेंडर इंजन है। और इसके अगर एयर क्लीनर की बात करेंगे तो एयर क्लीनर उसमें ड्राई टाइप एयर क्लीनर मिलता है, जिसको कि अपन किसान भाई बार बार बदलवाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर सर्विस पे लाते हैं तो घर पर ही वो साफ करके फिर से लगा सकते हैं। और यह इतना बड़ा है, ट्रैक्टर को ठंडा रखने में बहुत ज़्यादा सहयोग करता है, अधिक देर तक ट्रैक्टर को ठंडा करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं अपन, कूलेंट के लिए एक अलग से बॉक्स बनाया गया है। ये यहाँ पर अपने को रेगुलेटर मिल जाता है, यहाँ पर अलग से लगाया गया है। अब हम चलते हैं इसके पीछे तरफ और गेयरबॉक्स की तरफ चलते हैं। की बात करें तो 30 गियर का गेयरबॉक्स मिलता है, जो कि फुली सिंक्रोमैक्स गेयरबॉक्स है। और इसमें अपने को 3 गियर मिलते हैं और शटल सप्टे गियर के साथ मिलता है। अगर मान के चलो आपका ट्रैक्टर किसी भी गियर में है और आपको रिवर्स और फॉरवर्ड करना है, तो हम इस लीवर को आगे और पीछे करके आगे पीछे कर सकते हैं। ये हम इसके प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, इसमें आपको बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म मिल जाता है। फ्लैट प्लेटफॉर्म का फ़ायदा यह है कि अगर कोई ड्राइवर चला रहा है तो वो बहुत आरामदायक तरीके से चला सकता है और पूरे 24 घंटे इसको ऑपरेट कर सकता है, वो थकान महसूस उसको नहीं होती है। अब इसमें क्लच की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डबल क्लच का इस्तेमाल किया गया है कंपनी के द्वारा। ड्राइवर हो रुक जाओ, बंद करा भाई। अब हम इसके टायर की बात करेंगे तो उसमें पीछे की तरफ आपको 16x28 के टायर मिल जाते हैं, और अगर आगे की बात करते हैं तो उसमें 9x24 के टायर मिल जाते हैं, जो कि पडलिंग वगैरह और प्लाउइंग वगैरह के लिए बहुत अधिक उपयोगी टायर हैं और बहुत अच्छा माइलेज निकाल के देते हैं ट्रैक्टर को। अभी हम इसकी बात करेंगे इसकी हाइड्रोलिक की। इसमें अगर हम हाइड्रोलिक की बात करते हैं तो उसमें 2200 kg की क्षमता मिल जाती है हाइड्रोलिक में, जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है किसी भी 65 HP ट्रैक्टर में। और अगर PTO की बात करते हैं तो उसमें हमको मिल जाता है 58 HP का PTO मिल जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है थ्रेसर वगैरह ऑपरेट करने में, जो सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, ये सब चीज़ें होती हैं, वसा मशीन होती है, उनको ऑपरेट करने के लिए 58 HP का PTO पर्याप्त रहता है। दर्शकों, हम इसका प्लेट ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं, इसके प्लेटफॉर्म, इसका मीटर, इसकी स्टेयरिंग के बारे में। ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये मीटर दिख रहा है और इसका ये प्लेटफॉर्म है। ये पूरा ट्रैक्टर, इसे अगर हम स्पेस की बात करें तो बहुत सारा स्पेस इसमें दिया गया है, जो कि ये आमतौर पर हम देखते हैं, जो हमेशा कारों में ये फीचर्स दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं ये 655 महिंद्रा का ट्रैक्टर है, इसमें ये फीचर ट्रैक्टर में दिया गया है। बहुत सारे फीचर हमारे कारों में दिए जाते हैं, लेकिन इसमें जो फीचर है ये ट्रैक्टर में दिया गया है। अब हम रूपेश जी से जानते हैं, इसमें ये लिखा है DigiSense 4G, ये क्या होता है, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए इसके बारे में, क्या है ये? DigiSense 4G की अगर हम बात करें तो यह है ट्रैक्टर इंडस्ट्री में पहली चीज़ आई हुई है, जिससे कि किसान भाई अगर कोई ड्राइवर ऑपरेट करता है और किसान भाई घर पर बैठकर अपने ट्रैक्टर को ट्रैक कर सकते हैं कि ट्रैक्टर कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, और गर्म पड़ रहा है, हीट पड़ रहा है, अगर कहीं से कुछ लीकेज हो रहा है तो वो भी पता चल जाता है। अगर ड्राइवर अपना ओवर क्लचिंग कर रहा है तो वो भी उसको मोबाइल पर पता चल जाता है, मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, और ये 4G सपोर्टेबल है। और अगर हम इसकी बात करें तो उसमें सबसे अच्छा फीचर्स ये है कि अगर कोई ड्राइवर डीजल की चोरी करता है तो वो आपको मोबाइल पता चला है किस समय पे कितना डीजल निकाला गया था। और इसमें एक फीचर्स ये और आता है कि अगर मान के चले आपने ड्राइवर को ट्रैक्टर दे दिया है और वो कहीं चलाने गया है, तो जितना एरिया में वो ट्रैक्टर चलेगा वो आपको पता रहेगा कि किसने एक एकड़, एक बीघा, दो बीघा, हेक्टर के हिसाब से कितना काम किया है, जिससे कि ये होगा कि किसान भाई का फ़ायदा होगा और ट्रैक्टर ड्राइवर कहीं भी अपने मन से कहीं नहीं चला सकता है।
अगर हम बात करते हैं कि बोला जाता है कि हम जाते हैं आमतौर पर बहुत सी ट्रैक्टर एजेंसियों पर, लोग बोलते हैं कि इसमें कार वाले फीचर्स दिए गए हैं, कृपया कर हमारे दर्शकों को बताएं इसमें कौन से कार वाले फीचर्स हैं। बिल्कुल, इसमें अगर हम देखें तो कंपनी की तरफ से हमें एक रिमोट प्रोवाइड किया गया है जो कि आप इस तरह से देख सकते हैं, जिससे कि अगर आप मान के चलें आपका ट्रैक्टर कहीं अलग से खड़ा है जहाँ कि आपको पता नहीं कि ट्रैक्टर कहाँ खड़ा है, तो आप बटन दबा के इसका इंडिकेटर जला सकते हैं, उसमें आपके चारों लाइट जल जाते हैं और इस बटन से आप बंद कर सकते हैं। और अगर हाई बीम लो बीम की बात करें तो आप इस बस छोटी सी बटन जो दी गई है इससे इसको ऑपरेट कर सकते हैं आप। ये हम बात करें कि ये सेंट्रल लॉकिंग वाला रिमोट हम देखते हैं आमतौर पर कारों में, वही वाला रिमोट दिया गया है इसमें। अब अगर हम इसकी बात करें पूरे ओवरऑल ट्रैक्टर की, तो इसमें इंजन क्षमता इंडस्ट्री में किसी 65 HP ट्रैक्टर से सबसे ज़्यादा है, हाइड्रोलिक क्षमता सबसे ज़्यादा है, और PTO HP की अगर बात करें 98 HP का PTO है जो कि वो भी सबसे ज़्यादा है। कुल मिला के ट्रैक्टर अपने आप में एक बादशाह ट्रैक्टर है अपनी इंडस्ट्री का और अपने सेगमेंट का ट्रैक्टर, जिसके अंदर में आगे पीछे कोई ट्रैक्टर लग नहीं लगता है। अगर हम इसकी खपत की बात करें तो कृपया हमें दर्शकों को बताएं इसमें खपत क्या है। बिल्कुल, अगर हम इसकी खपत की बात करते हैं तो बहुत कम खपत है, तो लगभग अगर हम प्लाऊ की बात करते हैं तो 4 से 5 लीटर डीजल ये मैक्सिमम लेता है, और अगर हम नॉर्मल ट्रॉली वगैरह की वगैरह बात करें तो बहुत कम डीजल लेता है। महिंद्रा का मतलब यही है कि सबसे कम माइलेज, अच्छा सबसे अच्छा माइलेज देता है ये।